आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसे पढ़ने से पहले हम लोग पहले पीछे वाला रिवाइज कर लें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने लास्ट क्लास में देखा, मैंने कहा कि अगर बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान बना लेना है तो आपको एक मेथड पढ़ना है, इंसुलिन फॉर्मेशन। तो उसको दोबारा है थोड़ी देर में रिवाइज कर लें हम लोग कि अग्नाशय की बीटा कोशिका से हम लोगों ने डीएनए बाहर निकाल लिया था। उस डीएनए में से ये इंसुलिन का जो पार्ट है, इंसुलिन का जो जीन है, वो हमने रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज से कट कर लिया। दूसरी तरफ हमने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसमें से प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज से अलग कर लिया। इंसुलिन और प्लाज्मिड का शेष बचा हुआ भाग फ्यूज कर लिया आपस में। इसको उठाकर वापस बैक्टीरिया सेल में डाला और बैक्टीरिया सेल में, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरिया सेल में नहीं भी जाता है, कुछ में ऑटोलिगेशन वाला है, वापस वही चला जाता है, और कुछ में एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला जाता है। बाद में इनको अलग अलग मेथड से सेपरेट कर लेंगे, हमें ये सेल चाहिए। इस सेल को उठाकर बाद में बायोरिएक्टर टैंक में डालेंगे और उस टैंक में इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस इंसुलिन को अनुप्रवाह संसाधन से गुजार कर और उपयोग में लेने लायक बना लेंगे और फिर मार्केट में पहुंचा देंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल से डीएनए बाहर कैसे निकाला जाता है, एनिमल सेल से कैसे निकाला, बैक्टीरिया सेल से कैसे निकाला, फंगस सेल से कैसे निकाला। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये सारा डीएनए एनिमल सेल से निकाला और उसमें से ये इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसको कट किया गया है। कट करने के लिए हम लोगों ने काम में लिया रेस्ट्रोएंडो न्यूक्लियस, और इस तरफ प्लाज्मिड से जो डीएनए हमने कट किया है जिसका नाम है टेट्रा साइक्लिन का प्रतिरोधी जीन। प्लाज्मिड से एक जीन कट कर लिया, नाम है टेट्रा साइक्लिन का प्रतिरोधी जीन। तो ये भी किससे कट किया है, रेस्ट्रोएंडो न्यूक्लियस से। तो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आखिर क्या है। तो आज का अब अपना टॉपिक रहेगा रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसने बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी इस एंजाइम ने। तो रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज, जिसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बोल रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात करें कि न्यूक्लिएज क्या है। न्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम ऐसे एंजाइमों को बोलते हैं जो डीएनए पर कट लगाते हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले एंजाइम न्यूक्लिएज एंजाइम। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले एंजाइम न्यूक्लिएज एंजाइम। न्यूक्लिएज एंजाइम दो भांति के होते हैं, दो प्रकार के हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज ऐसा एंजाइम है जो बाहर से, यानी डीएनए को केवल किनारे से कट कर सकता है, जैसे ये डीएनए है। और इस डीएनए में माना ये एक नंबर जीन, ये दो, ये तीन, ये कोई चार नंबर जीन। अब इसको कट करना है, तो अगर हमने एक्सोन्यूक्लिएज अप्लाई किया है तो ये किनारे से काट सकता है, एक नंबर काटा जा सकता है या चार नंबर काटा जा सकता है किनारे से। और हमें मान लो चाहिए ये बीच वाला तीन नंबर जीन, हमें मान लो ये चाहिए तीन नंबर जीन। तो तीन नंबर जीन जो है इसको कट करना है, तो इसमें एक्सोन्यूक्लिएज हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसे बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एंडोन्यूक्लिएज का। और एंडोन्यूक्लिएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो मध्य में से कट लगा सकते हैं, जैसे ये डीएनए है एक नंबर तीन नंबर, तो ये बीच वाला जो दो नंबर उठाना है, ये डीएनए जो कट करना है इसको कट करने में काम आएगा एंडोन्यूक्लिएज, मतलब बिल्कुल बीच में से कट कर सकते हैं। तो एंडोन्यूक्लिएज का एक समूह हमें पढ़ना है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसको मैं रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज शॉर्ट में बोल रहा हूं, रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज।
तो रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज, जिसे आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, आणविक कैंची डीएनए अणु को काटने वाला, जो पहला रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज खोजा गया था उसका नाम था हिंड सेकंड। स्मिथ ने इसको खोजा 1970 में, हिंड सेकंड। और उसके बाद में जो खोजा गया था उसका नाम था इकोआर फर्स्ट। अब ये हिंड सेकंड, हिंड फर्स्ट क्यों नहीं? साहब नाम सेकंड दे रहे हो और खोजा ये पहले गया, फर्स्ट क्यों नहीं? तो ये जो फर्स्ट सेकंड जो लगाए जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया सेल से इन्हें किस क्रम में निकाला गया, किस क्रम में निकाला गया, खोजा कोई गया पहले, निकाला कोई गया। तो ये बैक्टीरिया सेल से निकालने, बाहर निकालने का क्रम है जो दिया गया है, फर्स्ट सेकंड जो रोमन नंबर आगे लगा हुआ है इसमें। तो स्मिथ ने जो खोजा था फर्स्ट, वो हिंड सेकंड ही था जो पहला रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज खोजा गया। तो पहला रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम था हिंड सेकंड, सन 1970 में स्मिथ के द्वारा। आपको एक चीज यहां और बता दूं, 1970 से पहले की जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और जैसे ही इस एंजाइम की खोज हुई उसके बाद की जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 1970 के बाद की। तो पहले हिंड सेकंड खोजा गया और बाद में एक फेमस एंजाइम जिसका नाम बार बार यू लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में, नाम है इकोआर फर्स्ट, ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया इसको। तो आइए बात करते हैं कि रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी बोल रहे हैं हम लोग, तो रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला ये टॉपिक एनसीईआरटी के अनुसार कि रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ये है कि ये रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होते हैं एक विशेष स्थल, एक पर्टिकुलर साइट पर ही काटते हैं। डीएनए में ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी लगा दिया और कट कर देगा, ऐसा नहीं है, एक विशेष जगह ही काट पाएगा ये, और उस विशेष जगह को बोलते हैं पेलिएंड्रोमिक साइट। तो अब बात करें पेलिएंड्रोमिक क्या है। पेलिएंड्रोमिक उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान, मतलब किसी डीएनए स्ट्रैंड में 5' से 3' रीड करें एक स्ट्रैंड को, और दूसरे को भी 5' से 3' रीड करें, तो दोनों में नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम आएगा वो बिल्कुल एक समान बैठेगा, जैसे जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, 5' 2 3' 5' 2 3'। अब यहां देखें, फर्स्ट इस कॉर्नर से जी है, उधर से भी जी है, इधर से ए है, इधर से भी ए, फिर थर्ड पे ए ए, टी टी, नेक्स्ट टी टी, सी सी, मतलब उल्टा सीधा एक समान। ऐसी अगर कोई साइट बन रही है उसको पेलिएंड्रोमिक साइट बोलते हैं। 4, 6 या 8 नाइट्रोजनी बेस की हो सकती है पेलिएंड्रोमिक साइट। अब बात करें दूसरी विशेषता, ये जो रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है केवल और केवल बैक्टीरिया से ही प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं में बनते हैं। अब तक लगभग 900 प्रकार के रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज डिस्कवर किए जा चुके हैं 230 प्रकार के बैक्टीरिया से। 900 प्रकार के रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं 230 प्रकार के बैक्टीरिया से। तो यहां एक बात तो समझ में आ गई है कि एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज बनेंगे, ये दूसरी विशेषता। अब बात करें रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की तीसरी विशेषता की, कि रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वो जीवाणु के प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है, उसका इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब इम्यून सिस्टम का पार्ट कैसे है ये देखें, जैसे ये बैक्टीरिया है कोई,
ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए, इसने बनाया रेस्ट्रो एंडो न्यूक्लिएज, और इस बैक्टीरिया पे अटैक करने के लिए आया है ये वायरस। इस वायरस ने अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया। वायरस अटैक कर रहा है बैक्टीरिया पर, वायरस ने अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया। तो ये डीएनए आकर उस डीएनए पे कंट्रोल करे, उससे पहले क्या होगा, ये रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज इसकी जहां जहां पेलियंड्रोमिक होगी, स्पेसिफिक पेलियंड्रोमिक, वहां कट कर देगा। तो ये वायरस का डीएनए कट जाएगा जगह जगह से, जहां जहां इस रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज की पेलियंड्रोमिक है। तो इसके कट जाने से अब ये बैक्टीरिया उस वायरस से सेफ हो गया, ये वायरस उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो अब यहां एक सवाल और मन में उठेगा हम लोगों के, क्या उठेगा कि सर जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, इसने साहब बनाया रेस्ट्रो एंडो न्यूक्लिएज, और ये रेस्ट्रो एंडो न्यूक्लिएज सर इसे क्यों नहीं कट करता, इसके खुद के डीएनए के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं पेलियंड्रोमिक बनता होगा। कि ये बैक्टीरिया का डीएनए, इस डीएनए ने बनाया रेस्ट्रो एंडो न्यूक्लिएज, और ये रेस्ट्रो एंडो न्यूक्लिएज इसके खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट करता, खुद के डीएनए पर भी तो कोई ना कोई पेलियंड्रोमिक साइट होगी, पेलियंड्रोमिक स्थल होगा, वहां क्यों नहीं काटा इसने। तो इसका जवाब यह है कि रेस्ट्रो एंडो न्यूक्लिएज की तरह एक अन्य एंजाइम और है जिसका नाम है मिथाइलेज, जिसका नाम है मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या करता है, ये जो पेलियंड्रोमिक होते हैं इनका मैथिलीकरण कर देता है, एडिशन ऑफ मैथिल, इनका मैथिलीकरण कर दिया इसने। तो यहां मैथिल जोड़ दिए हैं मिथाइलेज ने, मिथाइलेज ने मैथिलीकरण कर दिया है, तो रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज अब इस पे कट नहीं कर पाएगा, इसलिए मिथाइलेज की वजह से रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज जो है वो खुद के डीएनए को काट नहीं पाता। अब बात करें आगे, रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो कटिंग के आधार पर, मोड ऑफ कटिंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। मोड ऑफ कटिंग के बेस पर रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज टू टाइप्स के हैं, एक ऐसे रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज जो तिरछे कट लगाते हैं, ओब्लिक कट, एक ऐसे जो तिरछे कट लगाते हैं, और दूसरे रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज ऐसे जो स्ट्रेट कट लगाते हैं, सीधे कट लगाते हैं पेलियंड्रोमिक के ऊपर। तो पहले बात करें तिरछे कट लगाने वालों की, अब जैसे ये साइट है GAATTC, इस साइट को ये यूं काटा, काटने वाले एंजाइम का नाम है ECOR1, इसने काटा, यहां से G अलग हो गया, इधर से भी G और A में से A अलग हो गया, तो ये पार्ट G, CTTAA, तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये कट बना है तिरछा कट, ऑब्लिक कट। तो ऐसे जो किनारे बनते हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड, यानी चिपकने वाले किनारे, स्टिकी एंड, चिपकने वाले किनारे, तिरछा कट लगाने वाला एंजाइम ECOR1। और दूसरे ऐसे एंजाइम जो स्ट्रेट कट लगाते हैं, यानी सीधे कट लगाते हैं बिल्कुल बीच में से, ये देखो ये सीधा कट, तो अब ये भी एक पेलियंड्रोम है, C C C C C, आगे G G G G G G, उल्टा सीधा एक समान। तो इसके बिल्कुल बीच में से, सी और जी के बीच में से कट लगाने वाला है, जैसे एक एग्जाम्पल समाफस्ट, ये एंजाइम बिल्कुल बीच में से सीधा कट लगाएगा। और ऐसे जो किनारे बनते हैं इनको ब्लंट एंड बोलते हैं, यानी कुंद सिरे, बिल्कुल सीधे कुंद सिरे बोलते हैं। तो आज हमने रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज के बारे में पढ़ा कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, पेलियंड्रोमिक स्थल पर ही कट लगा सकते हैं, केवल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं,
बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, वायरस के अटैक से बचाते हैं। रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज खुद जीवाणु के डीएनए को क्यों नहीं काटता? क्योंकि एक अन्य एंजाइम और बनता है बैक्टीरिया के अंदर, नाम है मिथाइलेज। वो पेलियंड्रोमिक साइटों का मैथिलीकरण कर देता है, उसकी वजह से रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज उसको कट नहीं कर पाता। काटने के दर पे रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएज दो प्रकार के हैं, तिरछे कट लगाने वाले और सीधे कट लगाने वाले। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये जो नाम रखे जा रहे हैं रेस्ट्रोएंडोन्यूक्लिएजों के, हिंड सेकंड क्या है, इकोआर फर्स्ट क्या है, एसएमए समा फर्स्ट क्या है, कहीं तो चार अक्षर हैं और कहीं तीन अक्षर हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एंजाइमों का नामकरण।